गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज 5.3 विच इज़ लाइक दिस. इसमें आपको दो फ्रैक्शंस गिवन हैं, आपको उन फ्रैक्शंस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? एंड सिंप्लीफाई मीन्स ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है सेम फ्रैक्शन को. इसको इसमें क्या है बेटा, मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स हैव डिनोमिनेटर सेम. डिनोमिनेटर क्या होता है? डाउन साइड की वैल्यू, न्यूमरेटर अपर साइड की वैल्यू. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट इज फाइव ऐड. वी हैव टू ऐड द नंबर. फर्स्ट पार्ट 5/7 प्लस 4/7. इन दिस डिनोमिनेटर इज सेम, राइट? तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे 7, राइट? Now after 5 and 4, write them both as it is. Equals to 5 plus 4, 9/7. ये simple add है, ये आपने fourth class में भी किया है बच्चे. कुछ नहीं है, simply आपको इनको check करना है कि अगर denominator same है तो addition भी ऐसे ही होगी, subtraction भी ऐसे ही होगी. Like यहाँ देखो, इसमें denominator same है बट विच काइंड ऑफ फ्रैक्शन इज दिस? मिक्सड फ्रैक्शन. अब हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 11 × 11, 11 प्लस 5 16, 16/11 प्लस 11 × 22, 22 × 4 26/11. अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, सेम लाइक राइट 11 हेयर 16 प्लस 26 इक्वल्स टू 6 प्लस 6 12, 1 गोज कैरी 2 3 1 4, 42/11, राइट? सो जहाँ भी आपका डिनोमिनेटर सेम है आपको सिंपली ऐसे करना. नाउ द कंडीशन वेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे 7 और 8, कोई भी कॉमन टेबल नहीं है, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें दोनों में 7 और 8 एक साथ आता हो, राइट? तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 × 8 = 56, राइट हेयर, ठीक है, 56 आ गया. अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे. 7 को अगर हम 8 से डिवाइड, 56 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका? 7 × 8 = 56. 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ आपको डिवाइड करना है इसको इससे भी और इसको इससे भी. अब डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा? 8. अब उस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो. 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 प्लस सेम 8 से डिवाइड करो. 8 × 7 = 56. सेम 7 जो आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो. 7 × 5 = 35 इक्वल्स टू, अब दोनों को ऐड करो. 5 + 4 = 9, 3 + 2 = 5, 56. This is the answer. Now D part. 8 × 1 = 8 plus 3 = 11/8 plus 7 × 2 = 14, 14 + 3 = 17/7. सेम दोनों को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, 56 आ जाएगा. एंड आफ्टर दैट डिवाइड विद. सी बेटा, एक चीज़ कॉमन है, अगर आप ऐसे किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, ऐसे किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो जहाँ नंबर्स आपके सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, आपको यहाँ क्या करते हो, आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, राइट? हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो सेम फॉर दैट, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 8 × 7 = 56, राइट? 56 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो ये नंबर आएगा,
और अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये नंबर आएगा, दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर ऐसे कोई भी दो नंबर्स, ऐसे कोई भी टू डिजिट्स जो डिनोमिनेटर में हैं आपके पास, अगर आप उन टू डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड आउट करके यहाँ डिनोमिनेटर्स राइट करते हो, उस टाइम पे जब आप इन दोनों को मल्टी डिवाइड करोगे यहाँ पे सम फाइंड आउट करने के लिए, 8 डिवाइड विद 56, 7 कम 7 11 जा 77 प्लस। अब अगर आप 7 से 56 को 7 से डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा वो 8 आएगा, 8 17 17 8 जा 136 राइट। नाउ ऐड एंड राइट, इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जब भी आप किसी एक नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर दूसरा नंबर ही आएगा। नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट, एडिशन क्लियर। नाउ कम टू सब्ट्रैक्शन, 3/8 फ्रॉम 5/8 मीन्स 5/8 माइनस 3/8 इक्वल्स टू 5/5 माइनस 3 2/8 बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, क्लियर। और ऐसे नहीं तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, 8 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2/8 राइट। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट, फोर बाय सेवन माइनस 4/9 सेम डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, मल्टीप्लाई 7 9 63। नाउ अगर हम नंबर को, व्हेन यू डिवाइड 7 63 विद 7 यू विल गेट द आंसर 9 9 4 36 माइनस, और जब आप इसको 9 से डिवाइड करोगे इट कम्स 7 7 4 28 क्लियर। 16 - 8 8 2 - 2 0 8/63 क्लियर। नाउ नेक्स्ट 2 5/11 फ्रॉम 3 8/11 सो व्हाट कम्स फर्स्ट, 3 8/11 माइनस 2 5/11 नाउ कन्वर्ट देम इनटू इम्प्रॉपर, 11 3 33 33 and 8 41 41/11 माइनस 11 2 22 22 and 5 now 11 2 22 22 plus 5 27/11 now 11 is the LCM, 41 - 27 here subtract and write the answer here. Now next also same, अब मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 3 3 ज़ा 9 9 प्लस 2 11/3 माइनस 9 2 ज़ा 18 18 प्लus 2 20/9 नाउ सी यहाँ 3 और 9 है, 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 राइट। अगर आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करोगे, सी आई एम राइटिंग हेयर 3 and 9 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 अगेन 3 3 1 ज़ा राइट, एलसीएम क्या होगा 9 सो हमारा डिनोमिनेटर भी क्या होगा 9 9 डिवाइड विद 3 3 मल्टीप्लाई विद 11 33 माइनस 9 डिवाइड विद 9 1 1 मल्टीप्लाई विद 20 20 सो 33 - 20 13/9 क्लियर।
Now come to third question. Third question is simplify. Simplify, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, इसमें प्लस माइनस ऑल साइंस आर देयर. यू हैव टू सिंप्लीफाई द नंबर. लाइक इन दिस डिनोमिनेटर सेम, राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज. 4 प्लस 6 माइनस 3. नाउ बेटा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट बोर्ड मास, राइट? इन दिस बोर्ड मास, कैन यू प्लीज टेल मी फर्स्ट विच what we have to do, addition or subtraction? First we have to do addition. हमें first क्या करना है, add करना है. Now add between these two number, 4 plus 6 10 minus 3 by 11. Now 10 minus 3 7, denominator same रहे. Clear? ऐसे करना है आपको simplification. Now come to this 3, 4 and 6. Now firstly we will find out the LCM of these two. 3, 4, 6. 3 से करते हैं, 3 ones are 3. 4 3 से divide नहीं होता as it is. 3 twos are 6. Right? Now with 2. 2 twos are 4, 2 ones are 2. Now again with 2. 1, 1, 1. Clear? Now multiply this. 3 2s are 6, 6 2s are 12. तो हमारा जो denominator होगा LCM वो क्या होगा, 12. Clear? अब 12 को 3 से divide करो. 3 की table में 12, 4. Now 4 multiply with 2, 4 2s are 8. Plus 4, now 12 divide with 4, 4 3s are 12, 3 3s are 9. Minus 12 divide with 6, 2. 2 5s are 10. Clear? Now same, first we will add 8 plus 9 17 minus 10 by 12. 17 minus 10 7 by 12. Clear? Simplification. Now come to C part. Mixed fraction mein given hai pehle number ko simple improper fraction mein convert karo. 7 1s are 7, 7 plus 6, 13 by 7, minus 3 by 5, minus plus 7 by 35, same different number है, LCM find out करो, 7, 5, 35, now 7 से 7 ones are 7, 5 as it is, 7 5s are 35. Now it can go with 5, 1s are 1s. LCM क्या होगा हमारा, 35, right here. अब 35 को 7 से divide करो, 7 5s are 35. Now 5 multiply with 13, 13 5s are 65. Minus 35 divide with 5, 7, 7 3s are 21, 35 with 35, 1, 1 multiply with 7, 7, right? Now, addition first, यहाँ कोई sign नहीं, it means it is of plus, 5 plus 7, 12, 1 goes carry, 72, minus 21 by 35 equals to 2 minus 1 1, 7 minus 2 5, 51 by 35. Clear? This you will do yourself. Change karna hai siraf aur kuch nahi karna, aapko simply